आप भाई क्या है भैया वेलकम टू अदर एपिसोड आज गंजी स्वैग एंड एज यू कैन सी बिकॉज देर आर नो इमेज ऑन स्क्रीन यू probably गेस्ट और आपको ज़ाहिर पढ़ना तो आता ही होगा थोड़ा बहुत सो दिस इज़ अनदर एपिसोड विद माई डियरेस्ट वाइफ बिकॉज जब वाइल आई वॉज इन लंडन बिकॉज जब तक आप ये सुन रहे होंगे आई माइट बी आई माइट नॉट बी हेयर तो एज़ आई प्रोमिस के आई विल वी विल भी टेकिंग इन स्पेशल क्वेश्चन जिसमें आपको फीमेल परस्पेक्टिव चाहिए होता है बहुत सी uh, बहुत से लोग रिक्वेस्ट uh, भी करते हैं सो आई हैड रिक्वेस्टेड एंड वी हैड लॉट ऑफ ई मेल्स तो फिर उसमें से हमने uh, ये दूसरी अपिसोड बना रहे हैं oh, सो well. uh, so, चलते हैं सवाल की तरफ विद आउट फर्दर डू दिस क्वेश्चन फॉर मिसटर एंड मिसेज सो आई हाउ टू चेंज क्रिटिकल थिंकिंग slash mindset of a wife. Oh, wow. Hi, Junaid. I have a quick question regarding improving slash change the way of thinking of females, especially my wife. First of all, my wife and I uh, had a love marriage. We loved each other. We love each other and living a perfect life with two kids in uh, Canada. I'm not going to say the city. There are no issues uh, between us, but occasionally we exchange arguments, especially when she assumes the things herself. Oh, लगता है मैंने ही फेक अकाउंट बना के ईमेल कर दी है uh, और इन अदर वर्ड शी डज ओवर थिंकिंग अलॉट वन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ अस इज दैट शी सीज द ग्लास एज हाफ एम टी वेयर एज आई सी इट एज अ हाफ फुल आई एम वेरी ऑप्टमिस्टिक बाय नेचर बट शी ऑलवेज हैज डाउट्स इवन इफ समन इज डूइंग गुड विद अस शी इज लाइक ही और शी इज डूइंग दिस फेवर टू अस बिकॉज देर मस्ट बी समिफिट फॉर हिम और हर माई मदर हैज़ द सेम इशू सो आई अज्यूम दैट दिस माइड बी अ कामन इशू विद अ लॉर्ड ऑफ फीमेल्स ना कैन यू प्लीज सजेस्ट हाउ कैन आई चेंज द वे ऑफ हर सच क्रिटिकल थिंकिंग स्लैश माइंड सेट कैन यू सजेस्ट एनी गुड बुक और एनी ऑनलाइन लेक्चर फॉर 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 हर विच कैन हेल्प टू ओवरकम दिस टाइप ऑफ थिंकिंग एंड हाउ टू कन्विंस हर टू रीड हेयर और वॉच इट सो एक साहब है बाई द वे कैनेडा में रहते हैं दो बच्चे हैं शादी शुदा हैं मगर एक चीज़ से परेशान है कि उनकी बीवी हर चीज़ में नेगेटिविटी का आंसर ढूंढती हैं या अगर कोई चीज़ अच्छी हो तो उसमें भी शक में पड़ जाती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कोई ना कोई है हाफ ग्लास एम देखती हैं हर चीज़ को जबकि साहब जो है ख़ुद काफ़ी किस्म के हैं तो आई लिव अप टू यू द वाइफ हर आप ही बताएँ क्या इशूज़ होते हैं आपको देखें आई वुड से वन थिंग दैट आई डोंट अंडरस्टैंड वाई spouses or anyone you're seeing uh, or partners uh jinke saath romantically involved hain, why would you want to change anybody's uh, way of thinking we um, accept karna apne partners ko, unke flaws ke saath. Main, I'm, I'm talking jo ke within reason ho, uh, <laughs> don't accept a, an abusive um, um, husband just because he gets you बिकॉज़ यू नो नहीं हस्बैंड का मैं दिखाऊंगी जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे औरतों का बहुत एक कॉमन चीज़ है कि पहले स्पेशली इन पाकिस्तान आई नो ऊ केसेस जो मेरे सामने के हैं अपेरेंटली इट्स वेरी कॉमन के जो है ना पाकिस्तानियों में नॉट नॉट इन पाकिस्तान के यू नो फर्स्ट फिजिकली अब्यूज कर लो किसी भी तरीके से अब्यूज़ करके फिर एक बैग ला दो अच्छा सा तो वो मन जाती हैं उनको सूट ला दो इट बिकम्स ओके नो इट डज इन बिकम ओके तो आप इसको तो मैं नहीं कह रही हूँ बट विद इन रीजन जो फ्लॉज हैं उनको uh, जो है ना वो एक्सेप्ट कर लीजिए मेरे ख्याल में. में ये पार्ट एंड पार्सल है okay. uh, आप दोनों एक पर्सनैलिटी नहीं है आप दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ हैं और विमेन डू टेन टू थिंक लिटल बिट मोर देन दर्स बिकॉज हमें जो है वो आज़ादी नहीं होती है अपने आप को यू नो लाइक आई मीन वी 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 टेन टू ओवर थिंक एज़ वेल क्योंकि हमें फ्रीडम um, ऑफ जो वो होती है बात करने की हर किसी से हम बात नहीं कर सकते अपने दिल की बात जो है वो हर किसी से नहीं कर सकते और हमने बहुत से एक्सपीरियंस ऐसे, ऐसे होते हैं कि जो आ, फिर हम सोचते हैं कि नहीं यू नो लाइक अगर जैसे आपने कहा कि कोई अगर अच्छा कर रहा है सो यू थिंक नहीं एक्चुअली दे हैव सम अल्टीरियर मोटिव तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसकी वजह से वो वो लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हो जाते so, mean, हैं जैसे हमारे माशरे में चूँकि औरतों को इतने धोखे हुए हुए होते हैं या उन्होंने आसपास अपनी सहेलियों के इतने धोखे सुने होते हैं तो वो हर चीज़ को फूक फूक के यस यस आई आई यू नो एक वो वाली चीज़ के यू नो यू बिकम के हर किसी को जो है ना थोड़ा सा सस्पेशियसली देखना पड़ता है आजकल के जमाने में मुझे समझ में नहीं आता कि लोग हर चीज़ को पॉजिटिवली कैसे देख लेते हैं आई आई एनवी दैम एक्चुअली क्योंकि इतने ज्यादा धोखे हो रहे हैं इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि यू हैव टू हैव लुक भाई इफ़ समबडी इज बिंग रिडिकुलसली नाइस टू यू देन वॉट इज दर्पज ऑफ देट है नहीं बट ही सेड और भी बहुत सारी चीजें और भी बहुत, हाँ वो पेजे एक लोग ओवर थिंकिंग जो है वो अगर देखें इतनी ज़्यादा आपको बॉडर कर रही है या तो एक आपको होता है कि अगर आपके पार्टनर में फ्लॉज होते हैं तो प्लीज़ 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 प्लीज, आप ये मत सोचें कि मैं इनको चेंज कैसे कर दूं ठीक है आप उनसे बात कर सकते हैं आप उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और आई आई फील इंजुनियर सनो कि मैं तो कहती हूँ इज़ की तो आप उनसे ये बात कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर नहीं हो रही तो दो टाइप्स एक्चुअली फोर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स होती हैं एक होती है आपकी एंक्शस रिलेशनशिप जो पार्टनर होता है आपका एंशियस uh, जो सॉरी जो स्टाइल ऑफ लविंग होता है जो स्टाइल ऑफ आपकी रिलेशनशिप होता है वो आपका एक तो एंक्शियस होता है सिक्योर होता है और एक जो है वो आप इनडिफरेंट uh, uh, होता है और एक मतलब यू नो दे आर वेरी नॉन कन्फ्रंटेशनल एंड वट एक होता है डिसऑर्गनाइज मोस्ट जो लोग होते हैं वो एंशियस पार्टनर्स uh, होते हैं एंड उसके अंदर फिर ये होता है कि यू नो यू फील एंड अगेन आई एम सो सॉरी लेट मी जस्ट क्लेरिफाई के आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट बट दिस इज़ माई ओन फाइंडिंग्स और उसमें यही होता है कि यू you नो know, जो एंक्शियस पार्टनर होता है दे टेंट टू ओवर थिंक दे टेंट टू ऑल्सो मेकअप यू नो लाइक अपने दिमाग के अंदर वो सोचती हैं कि या सोचते हैं कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है दे डू टू ओवर थिंक इन इट्स नॉट जेंडर रिलेटेड इट्स इट्स पेटी कॉमन इन बोथ जेंडर्स तो आप लोग अगर आपको इतना बॉदर कर रहे ये चीज़ तो मे बी यू शुड टेक इट अप विद रिलेशनशिप काउंसलर एंड उसमें देखिए आप एंड मे बी शी कैन एक्सप्लेन टू यू आपकी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होनी चाहिए क्योंकि हर किसी को डिफरेंट कम्युनिकेशन चाहिए होते हैं जैसे जो इनडिफरेंट होते हैं उनको कन्फ्रंटेशन ज़्यादा पसंद नहीं होती है यू नो देर देर हैप्पी टू बी ऑन देर ओन, उनको कन्फ्रंटेशन पसंद नहीं होती है जो इनसिक्योर uh, होते हैं उनको फ़ॉन के फ़ॉन जवाब चाहिए होते हैं बिकॉज दे वेरी एंक्स दे टेन टू ओवर थिंक सो यू नो लाइक आप जो है ना वो उसको uh, चेक करवा लीजिए मे बी देर इज़ सम बैकग्राउंड बिकॉज ऑफ विच शी इज़ बिट एंशियस या शी इज़ एन you थिंकर यू नो to हैव टू गो टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर यू लोकेट सो

यू नो वैन यू ट्राई टू कम्युनिकेट वॉट्स रॉन्ग नथिंग नहीं कुछ नहीं हुआ ये होता है आगे से जवाब सो लाइक यू नो दैट दैर नॉन सेंस वैन यू वैन यू डोंट कम्युनिकेट दैट्स अ प्रॉब्लम कम्युनिकेट कोई मसला नहीं होता सयान आई वुड से ट्राई टू लिव विद इट आई मीन लाइक मैं ये नहीं कह रहा किफ इट्स अब्यूज इफ इट्स टू द पॉइंट इट्स अब्यूजिंग योर पोजिशन तो ये तो मैं कभी भी नहीं कहता कि अब्यूज़ बर्दाश्त करें अगर थोड़ा बहुत है और एक इंसान की पर्सनालिटी वही वाली बात नहीं है तो मैं भी एग्री करता हूँ आप किसी को चेंज नहीं कर सकते ये जो हमारे शौक होता है ना लोगों को कि ये इसको ये बस एक बार शादी हो जाए फिर मैं इसको अपने सांचे में ढाल लूँगी जैसे इंसान नहीं है पुडिंग है मैं यूँ करूँगी और फ्रीज़र में रखूँगी आधे घंटे बाद ये मेरे तरह का ढला होगा ऐसे थोड़ी होता है इंसान लोगों की अपनी पर्सनैलिटीज़ होती हैं और एंड वो शेप अप हुई भी होती हैं पिछले दस पंद्रह बीस तीस चालीस साल की तो आप ये चार महीने का प्यार लेके उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो ये तो ये ना फजूल चीज़ होती है कि मैं इसको चेंज कैसे करूँ चेंज कोई नहीं होता हाँ रिइटरेट करें कि भाई ये प्रॉब्लम है और ये यहाँ से शुरू हो रहा है ये जो हम इतना लड़ते हैं ये यहाँ से द रूट ऑफ दैट इज़ दिस ये पॉइंट आउट जरूर कराएं कि देखो ये दिस इज़ वॉट यूर डूइंग एंड दिस इज़ वेयर इट्स गोइंग टू लीड टू और फिर उससे होगा ये कि हमारे चिपकलिश होगी और फिर घर का माहौल ख़राब होगा और हमारे दो बच्चे हैं उन पर बुरा असर पड़ेगा सो यू आर द वन जिसकी वजह से बाकी के तीन लोग सफ़र कर रहे हैं यू you नो know, इस तरह इफ़ यू रीट रेट ब्लैक एंड वाइट में क्योंकि फिर होता ही है कि जहाँ इन माई लिमिटेड एक्सपीरियंस जहाँ ख़वात को लगता है ना कि वो उनका आपने पकड़ लिया उनका पॉइंट और दे हैव नथिंग एल्स टू से फिर वो दूसरी बात निकल के ले आती हैं इसलिए यूजली खातन जो है ना वो सेव करती हैं आर्ग्यूमेंट्स सो लाइफ यू डू समथिंग रॉन्ग दे वोंट दे वोंट कॉल यू आउट देयर राइट फॉर एग्जांपल आप किसी शादी में गए और कोई आपकी पुरानी कज़न है और उनसे आपने ज़रा यू नो थोड़ा दिल खोल के मुलाकात की तो वो आपको उस वक्त कुछ नहीं कहेंगी जब चार साल बाद कोई लड़ाई में वो हार रही होंगी वहाँ से निकाल लेंगे अच्छा वो वो सब छोड़ो फलाने की शादी में उससे तिल फ्री होकर बात क्यों कर रहे थे जो है? ये कहा बात हुई बात अभी हमारी लड़ाई किस बात पर हो रही है तो ये करती हैं खातन दिस इज़ माई एक्सपीरियंस एनी वे सो डू पॉइंट आउट एंड डू कॉल हर आउट कि भाई दिस इज़ अ प्रॉब्लम एंड यूर यूज द रीजन फॉर इट बाकी वही काउंसलर वाउंसलर तो ठीक है अपनी जगह आई मीन दे डू हेल्प मैं तो इन ही डिनाई करूँगा आई ऑलवेज रिकमेंड दैट मगर ये वाला ना दिल से निकालने कि मैं अपने रंग में ढाल लूँगा या ढाल लूँगी एज दे इज़ नो सच थिंग लाइक दैट मेरी माँ सत्तर साल की है उसको मेरे छिहत्तर साल के बाप से आज भी शिकायतें वो नहीं चेंज कर सकी चालीस पचास साल में तो हम क्या कर लेंगे समझ रहे हैं तो ये नहीं होता बस ट्राई टू लिव विद इट और फिर ना नाप्रोमाइज नॉट लिव विद इट या तो मतलब वही वाली बात है कि लाइक हाँ देखें छोट कुछ कुछ आदतें जैसे कि हमारी बेगम साहेबा ने फरमाया न कुछ फ्लॉज होते हैं जिनको आपने एक्सेप्ट करना क्योंकि ज़ाहिर है वो ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड की मूर्ति तो नहीं है ना जिसमें कोई फ्लॉ नहीं होगा कहीं ना कहीं वेन यू वेन यू लव सम नॉट ओनली यू यू एक्सेप्ट देम फॉर द गुड पार्ट दैट दे हैव बट यू ऑल्सो एक्सेप्ट द बैड साइड ऑफ इट तो वो समझें कि पर ये वो वाली बैड साइड है आ, और आ, क्रिकेट में एक टर्म होती है वेल लेफ्ट हर बॉल नहीं खेलनी होती कुछ पीछे जाने देनी होती तो इस तरह की बॉल आए ना तो जाने तो बोलो हाँ ठीक है दिस इज़ दैट पर्सन एंड आई कान हेल्प इट एंड अपने आप को ये भी समझाया करें कि भाई ये इसके साथ मैनुफैक्चरिंग फॉल्ट कह लें आप फैक्ट्री सेटिंग्स हैं ये और इसका मैं कुछ नहीं कर सकता तो जिन चीज़ों का आप कुछ नहीं कर सकते उस पर रोना धोना

एक्सपोजर नहीं कुछ कर सका तो मैं क्या कर सकता हूँ तो बस मैं यही समझ के चुप बैठ जाता हूँ तो आप भी बस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसका टाइटल है हेटरेट फॉर ऑल मैन क्वेश्चन फॉर योर वाइफ ये फुल फैनिमिज्म वाला सवाल लग रहा अगर असलम जुनीद भाई एंड मिसेस जुनीद आई एम आ ट्वेंटी एट ईयर ओल्ड मैरिड गर्ल लिविंग इन द यू के मूवड हेयर आफ्टर माई लव मैरिज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड दैट आई हैव लिव हेर आई हैव विटनेस अ लॉट ऑफ केसेज ऑफ डिवोर्स Husbands cheating, adultery, or being indulged into haram acts, and wives suffering and going through a lot of mental trauma. Now, I know that sometimes wives cheat too, but all that I'm hearing is about men. My own they were cheated on my Devarani. They also live here. My in laws forgave him like nothing happened. Your in laws. And Devrani is about to get divorced, even though it was a love marriage, and she gave him numerous chances to come back and quit his bad actions. This is just one example. So many of my friends here got cheated on by their own best friends having having an affair with their husbands. Wow. My question is that I have started to hate men and I don't know how to step my, stop myself uh, not to feel that way. I feel like they are all the same and it's just a matter of getting a chance to cheat that they all are waiting for. I have also started doubting my husband because of these situations going around me. Now that's unfair on him. He wants us to have married couple friends who we should hang out with, but I'm just hating the idea of having another girl in such close proximity to my husband. I hate it when he even talks nicely to other girls. Uh, sorry to say, but you sound very toxic. Um, okay. Kya hai? whether it's a colleague or an old friend i do not want to suffocate him with restrictions but i also don't like his friendships with girls because a lot of times i've noticed girls try to flirt with him too indirectly like you know a wife can always tell if a woman is trying to impress her husband right i myself don't make boyfriends uh, i mean like you mean to say male friends and so i don't like if my husband don't talk to my fr uh, talk to my friends hmm. when they come over or whenever we meet

मैं बिल्कुल आपकी प्रॉब्लम को अंडरमाइन नहीं कर रहा लेकिन बिल्कुल इस तरह कह देना कि वो बिल्कुल किसी भी औरत को सलाम दुआ भी ना करे मतलब सलाम दुआ करे बगैर चले जाए तो आपकी दोस्तों ने जो है ना फिर अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फैलाना है कि इनका शोर तो बड़ा ही बदतमीज़ आदमी किस घटिया जाहल से शादी कर ली सलाम ये, दुआ ये, का, ये का रवा सवाल दु... सव... सलाम दुआ का भी रवादार नहीं रहा और फिर उससे कौन बुरा होगा आप भी रही होंगी कि आपकी ये चॉइस थी कि आपका शोर जो है किसी को सलाम के करने का भी रवादार नहीं है जो कि फिर गलत बात है और कॉलीग्स uh, अब देखें अब वो कॉलीग्स तो होंगी या तो आप उनकी नौकरी मदरसे में लगवा दें जहाँ मर्दी मर दो अब तो खैर वहाँ पे भी ख़तरे ख़तरात हो ही जाते हैं मगर ये कि uh, uh, क्या करें फिर मतलब वो कॉलीग से बात ही ना करें मतलब आप अज्यूमिंग इंगलेट से आपके हस्बैंड एक बैंक में काम करते हैं जहाँ पे हर किस्म मतलब हर जेंडर के लोग लो काम करते हैं तो वो अब क्या करें अगर उनकी बॉस खातून है तो बात ही करना छोड़ दें उनसे ऐसे तो नहीं हो सकता ना या फिर दोस्त भी होते हैं बिल्कुल होते हैं अब वो जो कह रहे हैं कपल फ्रेंड्स होने चाहिए आ, तो वो तो ज़्यादा बेहतर है या तो ख़तरा तो आपको ये होना चाहिए कि, कि कोई सिंगल फ्रेंड ना हो क्योंकि मैरिड लोगों के मैरिड फ्रेंड्स होते हैं दैट्स हाउ दे बॉन्ड स्पेशली इन प्लेसेस लाइक आउटसाइड पाकिस्तान जहाँ पे आपके ना इतना बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं हर किसी के तो खानदान नहीं है ना यहाँ पे यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो बेचारे कई महीनों गुजर जाते हैं कोई एक दूसरा पाकिस्तानी नहीं मिलता ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज़ में रहते हैं एक फैमिली से हम भी मिले थे वो बड़े दूर से आए थे सर तो इस एज में फिर आपको कपल फ्रेंड्स ही मनाने अब आपको ये शक हो या तो आप समझते हैं आपके हस्बैंड ब्रैड पिट हैं हर औरत उन पर मरना चाहती हैं और सब उन पर डोरे डालना चाहती हैं ये भी नहीं ऐसा हो सकता और जाहिर है बंदा हंस हंस के ही सलाम दुआ करता है ऐसे ही बात करता है अब इसका मतलब ये तो नहीं कि अगला लाइन मार रहा है तो आई डोंट नो आ, अगर आपकी इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ऐसे वाक़ हुए हैं तो देखें वो उसकी बुनियाद पे अपने शोर पे भी शक करना तो वो तो गलत बात है मैं तो इस चीज़ को मुझे तो ये बात समझ नहीं आई अब आप जितना भी छुपा लें कहाँ तक छुपाएंगी आप अपने शोर को आ, अगर जिसने आई नो मैन आई डोंट नो व्हाट टू से आप देर इज़ नो गारंटी ऑफ एनी थिंग अगर आप उनको इतना ही रिग्रेस और रिप्रेस करेंगी फिर ये होता है कि गुस्से में या बदले में आई डोंट नो इफ आई मेक इन दिस सेंस बट वो कहते हैं ना पानी को आप जितनी जोर से पकड़ने की कोशिश करो वो तो उतना वो निकलता है आई यू जस्ट लेट इट बी मैन आई मीन आई डोंट नो मैन आई एम टोटली ब्लैंक आप कुछ कहना चाहेंगी इसमें मुझे तो कोई बात नहीं द क्वेश्चन वाज एड्रेस्ड टू मी तो मैं बोल सकती थी मंगल हाँ, से हाँ, के गया, गया, गया। <laughs> देखें ऑबियसली हाँ, जुनेद दस मिनट से मैं बोल रहा ऊपर लिखा हुआ क्वेश्चन फॉर योर वाइफ तो तो मेरा तो था ही नहीं बोला ओके <laughs> अच्छा देखें इसमें तो ऑबियसली जुनेद ने तो अपना वो जो ए, वो होता है पॉइंट ऑफ व्यू वो दे दिया जो कि एक मैं पॉइंट ऑफ व्यू है बट फ्रॉम अ वमेंस पॉइंट ऑफ व्यू देखें अभी मैंने पहला जो जवाब सवाल आपको जवाब दिया था जो इन साहब को दिया था जवाब मैंने यही कहा था कि औरतें जो हैं वो इतने एक्सपीरियंसिस से गुजरी होती हैं कि फिर वो ओवर थिंक करना शुरू कर देती है एंड इट्स परफेक्टली नॉर्मल यू डोंट हैव टू थिंक यू आर डूइंग समथिंग एब नॉर्मल कि आपको ऐसे थाट्स आ रहे हैं यू योर लोन यू आर न्यू हीयर आप इधर आपने कहा कि सो तो ये नहीं लिखा। so, mean, yeah, you, कुछ so साल ही हुए, हुए, हुए हैं शादी को एंड ओबियसली जो आपने एज लिखी है तो यूर नॉट वेरी ओल्ड आईदर इसमें मैं आपको यही कहूँगी कि येस इट गेट्स वेरी स्केरी कि आप अपने शोहर के मैं तो अपने शोर के साथ रहती भी नहीं हूँ सो यू नो कि यू कैन इमेजिन के ओवर थिंकिंग और वो सारा कुछ और लॉन्ग डिस्टेंस और ये वो सब सब रियली एड्स अप फॉर मी सो आई फॉर वन रियली अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्राम और कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ औरतें ही समझ सकती हैं ओनली वुमेन कैन अंडरस्टैंड कि यू नो ओके वाई इज़ दिस वुमेन ओवर स्टेपिंग हर मार्क यू नो नोइंग फुल वेल कि ये इस तरह की यू नो लाइक एक एक शादीशुदा आदमी है ये बात मैं बिल्कुल समझती हूँ ये ओवर थिंकिंग वाली बात हावेवर आपने जो बात कही है कि आपके देवर देवरानी की डिवोर्स हो रही है और आपके बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन जी चीटेड ऑन ठीक है उसके अंदर उसको आप अपने आप को ठीक है अफे आप कॉन्शियस रह सकती हैं आप थोड़ा सा जो है डर सकती हैं मगर यू कॉन्ट बिकम टॉक्सिक फॉर योर हस्बैंड यू कान डू दैट क्योंकि इससे आपकी रिलेशनशिप और जो है ना वो अफेक्ट होगी जब आप छोड़ देंगी ना अगर आप कोई चीज़ मुट्ठी में ज़ोर से पकड़ने की कोशिश करेंगी ना तो आपकी मुट्ठी भी दर्द करेगी और वो चीज़ जब आप खोलेंगी मुट्ठी तो एकदम से भागेगी सो वॉट यू नी टू डू इज़ यू नी टू बी काम ठीक है और आपको अगर वो कर और जो है ना वो लेट हिम बी आपको कह रही हैं कॉलिक से नहीं बात करने देंगी कॉलीग से कैसे नहीं बात करने दे सकते दे हैव टू स्पीक इस तरह के इन्वायरमेंट में यहाँ पर कैसे ऐसा हो सकता है कि फीमेल कॉलिग से बात ना करें आपको सलाम दुआ पूरी कर लग रही है देखिए आप दोनों अफगानिस्तान चले जाएँ <laughs> ऐसा नहीं करूँगी ओके बट यू नीड टू सी के देखें थोड़ा सा ना इससे इसमें मैं जानती हूँ कि खौफ रहता है अंदर अंदर, अंदर एक एक नैगिंग फियर होता है मगर कुछ चीज़ें ना आई जस्ट से कि आप ना अल्लाह um, पे छोड़ दें जस्ट जस्ट लीव द सिचुएशन बी ठीक है इनशाला इनशाला नथिंग नथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन अगर आप अच्छा सोचेंगी तो अच्छा ही होगा ठीक है यू डोंट थिंक कि ओके ही इज गोई नो डू दिस या ही इज गोई नो डू दैट ऐसा ना सोचें और कपल फ्रेंड्स के साथ जरूर जाएं वरना ना वे हाउ एल्सा यू सपोज टू सोशलाइज

यू uh, विल uh, कहीं बटेगा ध्यान बटेगा एंड यू विल फील अ लॉट बेटर सो वाई नॉट सोशलाइज और इसको ना थोड़ा सा ओके पिंच ऑफ थॉट लगेगा कोई सलाम दुआ करें थोड़ा सा आपको शुरू शुरू में ऑकवर्ड लगेगा मगर यू नो लाइक अगेन इफ दिस इज़ समथिंग दैट यू आर हैविंग अ मेजर प्रॉब्लम विद आई डू सजेस्ट कि इसमें जो है ना वो हजबेंड से नहीं आपको थोड़ी सी जो है ना वो uh, आप एंशियस हो रही हैं आप ओवर थिंक कर रही हैं यू नीड टू गो डाउन टू द बॉटम ऑफ इट और If it's if it's really really concerning you then you should seek help because this is not normal I understand the bad experiences but the environment of toxicity will only harm your marriage so I do suggest you stay as far away from possi uh, far, far away from it as possible please.

मोबाइल uh, ख़रीदने गया ये मैं नोकिया के दौर की बात बता रहा हूँ उस वक्त ज़्यादा इतने कम पैसे होते थे तो डर भी लगता था महंगी चीज़ ख़रीदते हुए एंड दैट यूज़ टू दैट स्टिल टू दिस डे आपके पास आपकी पोजीशन में सबसे महंगी चीज़ आपका मोबाइल फ़ोन ही होता है आजकल के दौर में आई थिंक सो तो उस ज़माने में भी यही था तो मैं तो सदर पर गया मैंने बोला भाई ये वाला फ़ोन चाहिए उसने दिखाया डब्बा पैक था नोकिया का था टॉर्च वाला मैंने बोला भाई ये ख़राब तो नहीं होगा तो उसने बोला भाई घर जाके शोकेस में रख लेना कभी भी नहीं होगा बात तो सही थी चीज़ इस्तेमाल होगी तो ख़राब तो होगी अब इसी तरह जो है ना अगर आपको शोर से इतनी प्रॉब्लम मतलब आपको डर लगता है कि ये भी ना हो जाए वो भी ना हो जाए तो शोकेस में रख लें पैक कर लें कैद करके जाएं, ताला लगा के बाहर से जाया करें आप और खुद ही काम वाम कर लें नौकरी वाकरी कर लें या यू में तो कोई मसला नहीं है ख़ौन को नौकरी का तो घर पर होंगे वो फिर खाना वाना पका लेते हैं उनको आप हाउस हस्बेंड रख लें सही ना वर्किंग हाउस हस्बैंड जैसे हम कहते नहीं, हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं होता तो भाई तो फिर क्या है ना? और और क्या है व्हाट एल्स डू यू वांट भाई वो बाहर जाएंगे देखो यूके में रहते हैं चलते फिरते लोग स्माइल कर देते हैं पाकिस्तान तो है नहीं जहाँ किसी को स्माइल करो तो अगला याकूब निकल आता है समझ रहे ना तो मतलब यहाँ पे तो भाई लिफ्ट में भी कोई ना कोई गोरी सलाम करके चली जाती है हाय कर देती है

वही वाली बात है फिर या तो अफगानिस्तान चली जाए वो औरत का सवाल नामो निशानी नहीं है चारों तरफ जो है ना एग्जैक्टली no, that, that, exactly. तो फिर, तो फिर वो अपने हाँ. time, हाँ. फिर वो ना वो, फिर वो बोलेगा अब मैं करके दिखाऊंगा जब मैं नहीं कर रहा तो इतना चेंज है तो मैं फिर करके सेलू ही 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 इज 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 बट नॉट 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 आई आई एम एम सेइंग सेइंग इन 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 सम केसेस लोग कहते हैं यार अगर हाँ. मैं कुछ ना करके भी मैंने इस बात ही सुनी हो तो मैं कुछ करके कर ही लेता हूं या yeah. समझ रहे हैं तो भाई ऐसा ना करें बाकी माय प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस आर फॉर यू कोई बात बुरी लगी हो तो माफी मस, मकसद आपका मूड ऑफ करना नहीं था या गुस्से में लाना नहीं था मकसद आपकी बेहतरी और आपके और आपके हस्बैंड के आपके घर की बेहतरी थी तो बस ये थोड़ा सा कभी कभी मैं Thank you so much for your email. Alright, next one says, uh, Trying to find me. alaikum pardon me for the philosophical undertones in the email. I'm a 37 year old guy living in Australia in one of the cities. I'm a big fan of your pragmatic approach to life and can do attitude, which is why I try not to miss any episode of Askanji Swag. I usually listen to you while I'm driving to and from work. By the way, this is about feedback. कि चूंकि अमेरिका कैनेडा ऑस्ट्रेलिया यू यूरोप वगैरह में चूँकि लोग सब में रहते हैं और एक डेढ़ घंटे की ड्राइव करके जाते हैं वो एपिसोड्स वहाँ सुनते हैं ओके थैंक यू फॉर मेकिंग मी योर ड्राइविंग पार्टनर आई वर्क एज अ स्पेशलिस्ट इमरजेंसी फिजिशियन इन अ पब्लिक हॉस्पिटल एंड अ पार्ट टाइम फैमिली फिजिशियन इन अवेट प्रैक्टिस आई हैवंगलीफ एंड टू किड्स माई लाइफ इज टू इज गुड अलहमदुल्ला एंड इट हैज़ ऑलवेज बिन गुड I would dare to say that I am one of the very few people in this world who has had no problems in life. Alhamdulillah. That's very mm -hmm. nice. Yeah. Quite recently, I've started to question my existence. Who am I? All my life, even now, I have tried to be a good son, the eldest of four, a good big brother, a good husband, a good father, and a good con conscientious doctor. I think I've done well in being all that, bar a few hits and misses, which I guess is being human somewhere along the line i've lost myself i'm not a depressed individual but i'm starting to become quite disillusioned with myself my life basically centers around work in the daytime and family in the evening i cannot work out what my passion is there are things i like doing example cooking photography or playing online soccer but all of it i can live without hence cannot be deemed as passion it truly feels like i'm stuck in a hamster wheel day starts at 6 a.m drive to work work for 10 to 12 hours drive home spend time with family dinner time kids bedtime watch tv with my wife and then sleep groundhog day again so what do you think i should do to break this rut i'm in and try and regain my any uh, my feeling of self how to realize what my passions are midlife crisis you think i think so maybe i should buy a harley or something kind regards uh, it's very normal to feel this way especially in especially वो कहते हैं ना प्रॉब्लम्स का ना होना भी एक प्रॉब्लम है फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम इसी को तो कहते हैं कि यार सब कुछ ओके okay है मगर देखो दिस वट माई अंडरस्टैंडिंग इज सो फार इन लाइफ इज अर्स अ मैन लेट्स एनी पर्सन इंसान जो है ना वो चैलेंजेस का मोहताज है बिकॉज वही मैंने जो सतपारा वाली वीडियो बनाई थी वो यही थी ना कि लोग क्वेश्चन ही कर रहे थे ना क्यों पहाड़ों में जा रहे थे तो मरोगे ना पहाड़ों में जाओगे तो लोगों को ये समझ नहीं आता कि लोग ना अपने आप को चैलेंज करते हैं तभी जिंदा रहते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू डू सम और एंड और अचीव अ माइल स्टोन वन थिंग और दी अदर एंड दैट बिकम्स योर ड्राइविंग फोर्स मैं ऑब्वियसली जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया होगा ये सोच के कि मैंने इस पर वीडियो बनानी है तो मैंने कहीं ना कहीं ये भी सोचा होगा केयर आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट यूट्यूबर इन पाकिस्तान ठीक है ना या मेरे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हों या ये हो वो और वही चैलेंज है दैट इस कीपिंग मी अफ्लोट विच ब्रिंग्स मी टू वर्क डिस्पाइट द फैक्ट आई हैव ऑन हॉलीडेज मगर आई थिंक जितनी वीडियोज़ मैंने इस हॉलीडे पीरियड में बनाई हैं मैं तो शायद अपने वर्किंग पीरियड में भी नहीं बनाता सो सो दैट इज़ द ड्राइविंग फोर्स बेसिकली होता ये है कि जब आप बहुत एक रूटीन में आ जाओ ना, okay. जा ना? So, um, so force, तो, तो फिर वो इट बिकम्स बोरिंग और वही वाली मोनोटनस हो जाते हैं एंड देन दे आर नो पर्टिकुलर चैलेंजेस मतलब बच्चों की स्कूलिंग इज़ ओके okay, घर भी ओके okay होगा गाड़ी भी होगी सब कुछ सही चल रहा है आई थिंक अ लॉड ऑफ दिस हैज़ टू डू विद द फैक्ट कि आप ऑस्ट्रेलिया में हो और ऑस्ट्रेलिया दो साल से बंद पड़ा है क्वाइट पॉसिबली आई एम जस्ट रिज्यूमिंग शायद आप पाकिस्तान नहीं आ पाए या वेर एवर यू यू ट्रेवल आप शायद वो भी नहीं कर पा रहे होगे एंड मुझे uh, ऑस्ट्रेलिया का सोच के वही टाइम याद आ अब तो खैर मैं अब ठीक ठाक ट्रैवल चल ही रही है मेरी मगर जब लास्ट ईयर व्हेन आई वॉज हेयर इन इंग्लैंड और फिर पीछे से लॉकडाउन हो गया था वो दैट वॉज लाइक कोविड का पहला चैप्टर चेप्ट, पहला एपिसोड सो आई हैड टू स्टे हेयर फॉर सिक्स मंथ्स एंड वी हैड अ स्मॉलर हाउस दिन दिस वेयर आई एम टूडे तो एंड वी हैड अ बेबी एंड जहा न्यू बॉन्ड इज obviously अ लॉट ऑफ चैलेंज कम्स विद अ लॉट ऑफ चैलेंजेस स्लीपलेस नाइट्स एंड what नॉट और फिर वो उसी चीज़ के छः महीने और फिर कहीं ना आना जा काम भी मेरा घर से ही होता था लाइक यू नो मुझे वीडियो बनाने के लिए किसी खास जगह तो नहीं जाना uh, तो वो एक पॉइंट के बाद आके जो है ना आई मीन नो कम्प्लेन टू माई वाइफ और माई लवली फैमिली इट्स जस्ट कि वो uh, बहुत वो मुनाटनस हो गया था एंड इट इट हैड बिकम वेरी डिप्रेसिंग सो आई थिंक बिकॉज ऑस्ट्रेलिया अभी तक उसी फेज़ में चल रहा है कि पूरा ही लॉकडाउन हुआ भाई यहाँ तो भाई लॉर्ड्स में मैं परसों मैच देख कर आया हूँ मतलब सॉरी दुनिया इतनी खुल गई है यू एस का भी यही हाल था आई हर्ड ऑस्ट्रेलिया की वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है सबसे स्लो है पूरी दुनिया में अलॉर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड्स कंप्लेन अबाउट दैट ऑल द टाइम पर हैप्स दैट चेंज ऑफ एयर नहीं मिला आपको दो साल से आ, ये भी एक चीज़ होती है दूसरा रही बात पैशन की तो ऑनलाइन गेम्स हो गए फीफा खेलते हो गए आप कुकिंग फोटोग्राफी कैन ओनली डू सो मच मैं इनफैक्ट यहाँ पे एक लेस्टर स्क्वायर एक इलाका है जहाँ पे भी पिछली मेरी वीडियो भी आई थी चौदह अगस्त से रिलेटेड वहाँ पे एक जापानी सेंटर है और मैं वहाँ जब जाता हूँ ना मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं लंबे टाइम के लिए आया या फिर इवेंचुअली मैन आई मूव हेयर तो मैं वो जैपनीज सेंटर ज्वाइन करूँगा because i want to learn japanese i mean like just for the heck of it just putting yourself into a challenge what else can i do how uh, further i can expand my wings you know so it's pretty pretty normal i would suggest try to be more social if your position allows you but it's will bad baragante काम करके और एक घंटा आना और एक घंटा जाना की ड्राइव यानी ये कि आपके चौदह घंटे तो इधर ही गुजर गए तो बाकी टाइम क्या बचेगा बट ट्राई टू फाइंड सम यूजफुल हॉबी गेमिंग इज़ नॉट एन हॉबी इज़ नॉट अ हॉबी इट्स जस्ट किलिंग टाइम समथिंग क्या पुराने ज़माने में ना फिर दस चीज़ें लोग कर लिया करते थे uh, अब पीपल है पीपल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट और वो यू से यू नोटिस दिस थिंग्स इन मी एज वेल बाय द वे आई एम ऑल्सो 38 सो मैं भी इस किस्म की ख्वाहिशा जाहिर करता हूँ माय वाइफ आई एम अ मिड लाइफ क्राइसिस वाज़ द लास्ट थिंग यू हाँ मैंने वो कराया था मैने की या आई टू गेट अ ब्रो ओके देखो मैं भी वो बोरियत की बात कर रहा था ना सो आई वॉज टक इन कराची फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सिंस मार्च मार्च में मैं आखिरी बार ही आया था बेटे की बर्थडे थी आप बोलोगे यार हर वीडियो में बेटे की बर्थडे होती है तो हाँ मल्टीपल हैं इसलिए एनी वे anyway, तो मार्च के बाद फिर मैं कहीं निकल नहीं पा रहा था और फिर जो रमज़ान के बाद या फिर उसके बाद जब दोबारा लॉकडाउन लगा था

कोविड की वजह से बहुत लोगों का काम सफर हुआ अलहमद वी विन हैव टू फेस दैट तो पैसे आ रहे हैं खर्च का करें रेस्टोरेंट्स भी बंद हैं ठीक है, है शॉपिंग मैं पाकिस्तान से करता ही नहीं कोई काम की चीज़ ही नहीं मिलती वहाँ मेरी तो इधर से हो जाती है जब भी आता हूँ तो यार मैं कहाँ खर्च करूँ तो मुझे ना फजूल फजूल आइडियाज़ आ रहे थे <laughs> मैने क्योर करा लेता हूँ जाके टाइम ही तो किल करना है अबे भाई छः बजे बंद है पूरा शहर छः बजे बंद है कराची और लाइक कराची से शहर जहाँ लोग उठते ही एक बजे हैं दोपहर को ठीक है ना बारह एक बजे मैं सुबह अगर वहाँ सात बजे उठूँ रूटीन उलट करूँ सुबह सात बजे उठ के मैं कुत्ते देखूंगा मोहल्ले के उठ उट... कोई उठा हुआ ही नहीं होता स्कूल की वैन्स होती थी अब वो स्कूल भी नहीं है तो मैं क्या करूँ सात बजे उठ के आठ बजे उठ के अकेला रन करूँगा रन भी कहाँ करूँगा यार बकवास तो अब जाहिर है जो जो पाँच छः घंटे मिले उसी में आपने यू हैव टू लिव लाइफ तो मैंने सोचा मैं मैंने क्योर करा लेता हूँ बट माई वाइफ हैड लाइक वट आर यू टर्निंग लाइक दिस आई मीन लाइक नहीं देखिए मिड लाइफ क्राइसिस वाली बात जो है वो तो खैर यू नो आपको भी लगता रियल you थिंग know, Uh, मुझे मिड लाइफ क्राइसिस का नहीं लग रहा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज्यादा मोनाटनी से जो है वो बोर हो गए हैं एंड द लैक ऑफ ट्रैवल हम तो फिर भी यहाँ पर सेकेंड लॉकडाउन वॉजन वेल इट वॉज बैड बट इट वजेंट कि आप बाहर नहीं जा सकते आप यू uh, नो you know, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते ठीक है वी वी हैड रिस्ट्रिक्शंस बट वी वी कुड ऑलवेज ट्रैवल इफ़ नो Yeah, a lot of people lied and they said they were going for emergencies and whatever not. Uh, Pakistan selfish people. Uh anyhow, um coming back to the point, so you know, you um you I, I see a lack of uh kuch asa, you know, like um passionate karne ko hai So why don't you like okay, if you if you can do, maybe you should like, you know, something to look forward to is um टाइम आउट विद योर वाइफ लाइक वंस अ वीक और समथिंग कुछ वो करके देखें कि यू नो लाइक ओके वंस ए वीक रिगार्डलेस ऑफ हमारे क्या क्या स्केजल्स होंगे वील मेक श्योर डेट हम जो हैं वो बाहर जाए एंड वी वी मेक समाइम फॉर आर सेल्स डेट नाइट कर लीजिए एक um, अगर आप जो हैं वो ऑनलाइन फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं एक तो मुझे पता नहीं था ऑस्ट्रेलिया में सॉकर बोलते हैं इसको आई थेट वॉज जस्ट एन अमेरिकन थिंग या नहीं 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 सॉकर सॉकर

Uh, कहीं दो तीन दिन के लिए बाहर चली जाइए या ईद पे चले जाइए या क्रिसमस पे चले जाइए क्रिसमस पे बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल आई डोंट नो व्हाट ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस इज लाइक बट बट समर देयर कुछ कुछ ना कुछ तो खूबसूरत खुछ तो तो वो लोग भी करते ही होंगे yeah, sure. ठीक है सो लाइक यू नो कोई साल में कितने होंगे दो होंगे तीन होंगे uh, like, He has no direction in life. No, no, हाँ मतलब लाइक भाई हम इस दुनिया में वेकेशन लेने थोड़ी हैं और क्या मकसद हो सकता है और क्या चीज़ें हो सकती हैं क्वेश्चन इज ये तो एक टेम्प्रेरी सोल्यूशन है कि वो मैं बोल रहा हूँ चलो मैं ब्रिस्मिन चला गया या सिडनी चला गया यू you नो know? yeah. ये तो लाइक एक वीकेंड uh, हमारा खाली जा रहा था तो चलो हमने ये कर लिया दैट्सिंग यारमनेंटली मैं क्या करूँ uh,

जहाँ पे लाइक टीच यू बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी या फिर आप वो एक होता है फोटो वॉक फोटो वॉक करें सिटी ऑन अ संडे मॉर्निंग और इन इवनिंग लव नो कलर्स इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड टू गैर इन टू और फिर आप ज़ाहिर जब आप वन यू गरेंट टू फोटोग्राफी ना तो फिर आप हर चीज़ को उस एंगल से देख रहे होते हो लाइक आई वॉज़ नेवर अ फ़ोटोग्राफ़र मुझे नहीं आती मुझे चलाने ही नहीं आता मेरे पास बेहतरीन कैमराज हैं सोनी के जो मैं अपने व्लॉग्स में यूज़ करता हूँ बट वन एम ट्रैवलिंग आई नेवर कैरी दम बिकॉज मुझे उनको चलाना ही नहीं आता तो मैं बस वो अपना आईफोन यूज़ कर रहा होता हूँ uh, मगर पता है क्या और जिस तरह की चीज़ें मैं डाल रहा होता हूँ मेरे लिए बड़ी नॉर्मल होती है बट फॉर लॉट ऑफ पीपल वो लोग कहते हैं हमने अपना वॉलपेपर बना लिया तो so, आपकी ना वो यू um, हाँ. हर चीज़ में ना इस तरह की डिटेल ढूंढते हैं मैं एक, एक भी टू sure, yeah, uh, um, uh, uh, वो सऊदी गई तो उधर जो था वो उसको um जो था वो ऑबियसली शी वर्क एंड शी हैड अटल बेबी एज़ वेल तो उस वो काम नहीं कर सकती थी तो उसने क्या किया एंड फॉर वट एवर रीज़न तो उसने यूट्यूब चैनल जो थे वो देखने शुरू किए एंड शी वुड बेक केक्स यू नो वो चैनल्स देख देख के केक्स बनाती थी केक्स बनाती जा रही थी सो फॉर हर डॉटर्स फर्स्ट बर्थडे शी प्रपेयर अ केक एंड हमें बहुत खूबसूरत लगा वो केक एंड वी लाइक वाओ दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड शी वॉज़ लाइक अच्छा फिर हमने खैर तस्वीरें वगैरह लेकर और वो रख ली सो ओवर द यर्स जो है वो उसने अपने और चैनल देख देख के शी डिवेलप मोर जो थे स्किल डिवेलप किया मोर एकमेंट ली एक आधा कोई कोर्स भी कर लिया एंड ऑबियसली शी इज़ लुकिंग एट नाउ गोइंग इन टू अ मोर कमर्शल सेटअप मगर अब जो उसके केक की क्वालिटी है इट गेट्स टेकन ऑफ बाई द हुज़ हु वेर शी लिवस द इट गेट्स बॉट एंड शी हेज़ एन डन अ डेज कोर्स उसने सिर्फ यूट्यूब से किया है वो अपना वो पहला केक जो उसने अपनी आ, उस पर बनाया था अपनी बेटी की बर्थडे पर बनाया था वो उसकी फोटो रखती है और जो आज उसने केक बनाया है उसकी फोटो लग, लग, लगती है तो हमें भी नज़र आता है हाउ जस्ट टू सी हाउ फार शी इज़ कम शी डज़ दैट आई एम श्योर कि अगर आपके कोई पैशन्स कोई हैं ये इवन इफ इट्स फुटबॉल आप लोकल क्लब के लिए खेल लें इफ़ यू ग्रेड इट ऑनलाइन गेम्स के भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं सो मे बी यू कैन हैव ए लुक डैट इज़ वेल मगर इफ़ फोटो फोटोग्राफी इज़ वन ऑफ योर क्या कहते हैं इसका आप भी, भी है ठीक है जॉइन ग्रुप्स ऑफ दैट सॉर्ट और देखें कि वो लोग लोकली क्या क्या कर रहे हैं एंड दैन यू कैन ऑब्वियसली टेक पार्ट एंड दैट इज़ सम देट इज़ वीकेंड हॉबी या वैन यू टाइम ऑफ उसकी आप कुछ कर सकते हैं कुछ आपका अगर इवेंट uh, करना है तो आप इवेंट भी कर सकते हैं सो so, आप डेफिनेटली यू कैन परसू इट द आइडिया इज़ नॉट टू फाइंड अ पैशन द आइडिया इज टू वर्क ऑन अ हॉबी सो मच दैट इट एक्चुअली बिकम्स समथिंग दैट यू आर दैट यू जस्ट टेन टू डू वन ऑफ माई फ्रेंड्स वॉज अ शेफ एंड वो भी यही करता था वो उठा के बस uh, वीडियो बना बना के और जो था वो um, डालता रहता था यूट्यूब पे डालता था इंस्टाग्राम पे डालता था और ही इज सच अ ग्रेट शेफ़ बस वही टेक्निक पे वर्क कर कर, कर, कर कर के करके एंड देन शेयरिंग हिज फूड विद पीपल इन इन द इन द क्लब दैट ही वाज एट एंड ही बिकेम रियली गुड एट इट सो मे बी यूट आई थिंकट ऑफ टूर्स कि दो साल में मेरा एक बर्गर जोइंट होना चाहिए लाइक ऑन द साइड आई आई फ्लिप बर्गर्स ऑन वीकेंड्स स्पेशल बीफ पैटी जो कि मैं नेबरहुड में पाँच पाँच डॉलर के बेचूंगा सो यू वर्क ऑन द रेसिपी यू नो गेर टू थिंग्स वट वट यू लैक इन योर लाइफ इज इज़ एक्चुअली अ चैलेंज यू हैवेंट बिन चैलेंज इनफ माशा यू यू बिन डूइंग वेल यू कम फ्रॉम अ फैमिली हु केप यू सो प्रोटेक्टेड दैट यू डेंट फेस

Uh, एक साल का तजुर्बा तीस बार है क्योंकि कह रहे हैं, तीस साल में किताब ही नहीं चेंज हुई तो मैं एक ही किताब तीस, सा, तीस साल से पढ़ा रहा हूँ तो तजुर्बा एक साल का है टाइम्स थर्टी हाउ इट मेक सेंस सो वो होता है ये है कि लाइक क्यों मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी क्या आसान हो गई क्या वो हर चीज़ इतनी आसान हो गई है कि यू नॉट बींग चैलेंज अब मैं आपको आखिरी सॉरी अगर बड़ा लंबा हो रहा है एंड इफ़ इट डज मेक सेंस आई एम रियली सॉरी फॉर दैट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गैदर माई थाट्स एंड ट्राई टू गिव यू द बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल अब मैं वीडियोस करता था ना तो मैं घर से करता था बिस्तर पे बैठ के करता था मैं कहीं जाता ही नहीं था शुरू के दो साल मैं घर पे ही रहा हूँ लाइक वन आई मूव बैक फ्रॉम दुबई ठीक है फिर मुझे लगा कि यार दिस दैट मेड मी डिप्रेस बेसिकली मैं बहुत डिप्रेस हो गया था हालांकि थिंग्स वर डूइंग ग्रेट माई नंबर्स वनी वॉज गुड हर चीज़ सही थी बट मैं डिप्रेस हो रहा था क्योंकि मैं कहीं उठ के जा ही नहीं रहा था तो मैंने ज़बरदस्ती अपना ऑफिस लिया और मैंने सोचा मैं पॉडकास्ट करूँ सो आई चैलेंज माई सेल्फ टू अ पॉडकास्ट कि मैं ये कर सकता हूँ कि मैं नहीं कर सकता सो so मैंने ऑफिस रेंट किया वो बनवाया और फिर उसमें पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया इट डेड वेल फिर मैंने सोचा कि यार वाट एल्स कैन आई डू तो फिर मैंने उसके बाद और क्या क्या किया कि मैंने तो बहुत सारी चीज़ें की ना अभी लेटली अगर हम देखें फूड सीरीज़ फ़ूड से मेरा सिर्फ खाने तक का ताल्लुक था बट आई जस्ट वॉन्ट टू फ्लेक्स माई मसल के वाट एल्स कैन आई डू तो मैंने फूड uh, व्लॉग्स आपने जो रमज़ानों में देखे मैंने वो किए क्यू एन ए का सेशन ही देख लें आप आस गंजी स्वैग मैंने तो एक बनाया था ऐसे ही और तो बल्कि नहीं आई टेल यू वॉट माय फर्स्ट आस गंजी स्वैग वाज नॉट इवन कॉल्ड आस गंजी स्वैग वो मैंने दुबई में गाड़ी में बैठ के बनाया था और, और लोगों ने मुझे ना वो भेजे थे सवाल और मैं ना पेपर में प्रिंट आउट करके गाड़ी में अजमान में एक जगह बैठा हुआ था और मैं गाड़ी में से रीड आउट करके एंड आई वाज गिविंग आंसर्स तो so, मैंने मुझे ये ख्याल उस वक्त आया था कि यू नो दिस सवाल तो करते थे इनबॉक्स में आके तो वो मैंने ट्राई किया फिर मैंने पता नहीं फॉर वट एवर रीजन आई डेंट कंटिन्यू इट सिमिलरली ये जो पॉडकास्ट का uh, सिलसिला है वेरी फर्स्ट आई कॉल इट अ पॉडकास्ट बट आई दैट उसमें मैंने यही यही टेस्ट किया था कि कैन आई हैव अ गेस्ट ऑन द शो कैन आई कैरी अर शो लाइक दैट एंड इट डिड वेल बट फिर फॉर सम रीजन आई कोडिन्यू इट इन दुबई और फिर पॉडकास्ट इज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट आइडिया सिमिलरली ट्रैफिक टेल्स है वॉकिंग टेल्स है और कितने शोज करता हूँ मैं बहुत सारे करता हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है, है। जो बहुत मुश्किल होता है उसको कंपाइल करना शॉर्ट स्टोरीज का जो है शॉर्ट हाँ शॉर्ट्स ठीक है ना uh, जो शॉर्ट्स है खैर वो काफ़ी अर्से डेड पड़ा हुआ है आई हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोज़ फॉर देट बस मुझे थोड़ा सा लेजी हुआ हूँ सो लाइक यू नो आई कीप टेस्टिंग माई मसल एंड आई एम स्टॉप एट इट इन फैक्ट आई एम ट्राइंग समथिंग रियली रियली बिग बस अभी मैं रिवील नहीं करना चाह रहा यहाँ पे वो भी मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू टेस्ट क्योंकि मैं अगर यही चीज़ करता रहा ना एक पॉइंट के बाद मैं बोर हो जाऊँगा तो मैं वो दूसरी बड़ी चीज़ एंड दैट इज़ वे अबव माई पे स्केल पे स्केल कहते हैं क्या कहते हैं वे अबव माई बेल्ट नहीं बजट नहीं।, नहीं।, नहीं मैं उस इकोनॉमिक uh, रेफरेंस में नहीं कहना चाह रहा इट्स वे अबव माई कपैसिटी कह ले बट खैर समथिंग बिग समथिंग लाइक रियली रियली बिग ठीक है ना वो मैं क्यों कर रहा हूँ बिकॉज मैं अगर यहीं पे वो कहते हैं ना एक ही जगह पे आप बैठे रहो ना तो फिर आप कंफर्टेबल हो जाते हो एंड कम्फर्ट इज द डेथ ऑफ मैं तो उसको डेथ ही कहता हूँ हर किस्म की तो मैं अपने आप को कभी भी कंफर्टेबल नहीं रखता मैं अपना हिलता रहता हूँ और ये कर लूँ वो भी कर लूँ वो भी कर लूँ मैं तुमसे कितने आइडियाज़ रोजाना शेयर करता हूँ क्या, हाँ। कर क्या मैं ये भी कर लूँ क्या मैं ये भी कर लूँ इन दें चीज़ लाइक कि भाई क्या कुछ दूसरों के लिए भी कुछ छोड़ दो मैंने तो बल्कि बीच में ए भी शुरू कर दी थी <laughs> वो जो मैं अपनी मैकबुक को प्यार प्यार से हाथ फेर रहा था उस पर आई वो जस्ट लाइक कि क्या मैं ये भी कर सकता हूँ सो लाइक आई कीप माई सेल्फ ओपन टू न्यू आइडियाज एंड न्यू डिमेंशन और मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ सो लाइक या आई टोटली गेट यू कम फ्राम दिस वॉट यू नीड टू डू वो मैं हमेशा कहता हूँ ना द वे यू कैन फाइंड वॉट योर पैशन इज टू जस्ट अज्यूम अ लाइफ वेयर मनी इज़ नॉट अ टूल लाइक एक दुनिया है जहाँ पे करेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती जहाँ आप कोई आपको ना बिल पे करना है ना खाने की टेंशन है खाना भी रोज़ाना घर पर बन के आएगा आ, कोई ना फीस पे करनी है ना कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल है ना ग्रोसरी है ना रेंट है पैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ऐसी सोसाइटी में if that was the case if money is not was not an element in your life what would you do then right the if you ask me if money was not an element I would travel the world and and write books about it that, that's what, what I would do you know, if I have all the time in the world and all the money in the world that's what I would do I would go to the most remote areas and take photos and like write my experiences about it uh, so, yeah, that's what I would do. So, like, that is my passion. Or maybe Gandhi Bara for whatever reason. Uh, so, like, assume, like, just sit down, have a smoke or a joint or whatever your uh, poison of choice is, and uh, just think about it. Like, sleep on it, give it a week, a few weeks, and try to question yourself. Look inward. What do you want to do? Uh, where do you want to be in life other than this? यू विल डेफिनेटली कम कम अपथिंग एंड डोंट फील बैड अबाउट इट इट्स इट्स एब्सोलूटली नॉर्मल बहुत ज़्यादा कम्फर्ट में फिर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इंसान इंसान कभी सीधा रह ही नहीं सकता सुकून सिर्फ कबर में वरना तंग ही रहता है इंसान जिसके पास है वो भी तंग है जिसके पास नहीं है वो भी तंग है तो ये तो रियालिटी है लाइफ की चलो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू फाइंड समथिंग सून एंड वेन यू डू प्लीज़ uh send me an email as well all right man take care all right next one says traveling experience as a pakistani passport holder assalamu alaikum junaid bhai hope you're doing well i'm 24 year old medical student uh, in one of the european countries before starting my medicine journey i've lived my whole life in gulf and never had a strong travel history i want to share my traveling experiences as a pakistani passport holder I recently visited the Balkans and my experience was not very pleasing. I was always asked weird questions at the border and was sometimes being declared as carrying fake documents. I was always prepared for such situations and used to carry all my original student documents and student ID. Even I have apostilled them just to be extra careful and it who always helped me and was given entry into the country my indian friends on the other hand never had such issues even traveling with me i was the only scapegoat getting slaughtered by the border police answering their questions and proving them my legitimate reasons of traveling etc just because if i'm a pakistani passport holder i'm proud to be a pakistani passport holder but at such incidents i always feel like yeah this passport and always think that one should have dual nationality even translating in Europe, I always receive that special protocol and to be honest, it's really pain in the ass. One time I was transiting through Netherlands and at the immigration, the guy called his senior just because my passport has Islam as religion. Uh, and phir se wo hi sab sab I love traveling and want to make my passport strong by visiting countries, but with such experience so far, it's quite devastating. Since you're a frequent tra traveler, I want to ask uh, if you've ever faced such situation. If yes, how do you cope up with them? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो बात बोली ना कि माई पासपोर्ट हैज़ रिलिजन इस्लाम रिटेन ऑन इट और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं आई डोंट थिंक दैट्स द केस बिकॉज पचपन और मुल्क अच्छा मुझे ये नहीं पता दूसरे तो पासपोर्ट में लिखा हुआ है रिलीजन सो ब्रिटिश पासपोर्ट में रिलिजन नहीं, so में नहीं लिखा होता क्योंकि आई थिंक स्टेट डजेंट केयर आप किस चीज़ पर बिलीव करते हैं या नहीं भी करते आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर इस्लामिक कंट्रीज़ बट आई डों सो मैन वो पचपन मुल्क हैं वो सारे मुसलमान मुल्क ही हैं तो मुसलमानों से की वजह से इस्लाम प्रॉब्लम इट्स अ पाकिस्तान प्रॉब्लम दैट्स यूर फेसिंग मुल्क है उनके ऊपर लिखा हुआ नहीं है जो अरब कंट्रीज हैं उनके ऊपर लिखा हुआ नहीं है रिलीजन तो इट्स नॉट लाइक द डिप्लोमैट्स डोंट नो कि वो कौन से रिलीजन के हैं आई मीन लाइक जो इमिग्रेशन ऑफिसर नैदरलैंड में बैठा हुआ है वो उसका रोज़ का काम है 500 पासपोर्ट पर स्टैंप लगाना उसको अच्छी तरह पता होता है कहाँ पे कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस किया जाता है इट्स लाइक आई सेड इफ़ इस्लाम वॉज देयर प्रॉब्लम तो फिर वो सऊदी को भी प्रॉब्लम होता वो यू वाले को भी होता कतरी को भी होता कोती को भी होता बहरीनी को भी होता ओमानी को भी होता मिसरी को भी होता लबनानी को भी होता मगर वो आपको हो रहा है ठीक है ना उसकी वजह अब आपको मैं क्या बोलूँ आपके सामने ही है जो हमारी हरकतें हैं अभी जैसा कि मैंने यहाँ आने से पहले चूंकि यहाँ रेड लिस्ट था तो मुझे रशिया से आना था बारह दिन करके मगर चूंकि रशिया में वीज़ा फ्री एंट्री थी बिकॉज ऑफ द यूरो कप तो हमारे सारे भाई आ, जो है जेब में पचास डॉलर डाल के ना अंग्रेजी का एक लफ्ज़ आता ना कोई होटल बुकिंग भाई सारे पहुंच गए उनको कुछ नहीं पता तो जाहिर है उन्होंने डिटेन होना था वो डिटेन हुए फिर उनको सही से खाना भी नहीं दिया क्योंकि भाई उनके बाप के नौकर थोड़ी हैं आपके रशियंस कि कैवियार खेलाएं, कैवियार खेलाएं, खेलाएं, वो आपको कैवीआर खिलाएं कैवी आर खिलाएं ये खिलाएं वो खिलाएं उन्होंने भी डुबरोटी मुँह पर मारी दिन में एक बार और पानी दिया दिया नहीं दिया नहीं दिया तो हमारे लोग दूसरे मुल्कों में जाके मुल्क को जलील करवाते हैं जिसका खमियाजा दूसरे लोग भुखत हैं अब इसकी एक ज़िंदा मिसाल ये है कि हमारे जो ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ हैं उन्होंने अपने ही टेस्ट सेंटर्स खोले यहाँ पे और अपने कज़न्स को नेगेटिव नेगेटिव करके पाकिस्तान भर भर के भेजा क्योंकि छः महीने से यहाँ बैठे बोर हो रहे थे वो पाकिस्तान यू के लेकर पिछले साल डिसम्बर में आए पूरे पाकिस्तान में इतना फैलाया कि मार्च तक हम लॉकडाउन में फंसे रहे और फिर उसके बाद डेल्टा तो खैर वो इंडियन वेरियंट था तो वो तो यहाँ से चले गए उल्टा यू ने हमें रेड लिस्ट कर दिया लाने वाले भी यूके वाले और फिर रेड लिस्ट भी हम हुए तो उसका किया किसी और ने अब हम देखें जहाँ जाते हैं मास्क लगाते हैं वैक्सीनेटेड हैं ख्याल रखते हैं चीज़ों का पीसीआर टेस्ट कराते हैं महंगे महंगे कराते हैं और बिकॉज़ इन लोगों ने हमें रेड लिस्ट कराया तो मुझे बारह दिन यू में अच्छा खैर चूँकि रशिया में ये मसला हो गया तो फिर मुझे यू जाना पड़ा तो मेरे जो यू में यार बारह दिन का खर्चा हुआ है वो कौन भरेगा ये इन लोगों ने गैर जिम्मेदारी की तो ये हमारी हरकतें हैं भाई हम पूरी दुनिया में ऐसे नहीं बदनाम हमारा पासपोर्ट नीचे से दो नंबर पे और सबसे नीचे तो अफ़ग़ानिस्तान का है तो अफग़ानिस्तान के बाद हम हैं पोलियो में भी हम हैं अफ़गानिस्तान है नाइजेरिया तीसरा था नाइजेरिया ने भी जान छुड़ा ली पोलियो से हम ले बैठे हुए तो भाई ये जब चीज़ें पॉइंट आउट करते हैं ना तो आप लोग कहते हो नहीं जी पॉजिटिव दिखाएं पॉजिटिव दिखाएँ तो पॉजिटिव देख देख के ना आपका ये हाल हो गया है कि आप दुनिया की नज़रों में सिर्फ नेगेटिव हैं आप हम यही चीज़ें बोलते हैं तो आप कहते हो आप मुल्क दुश्मनी कर रहे हो आप फंडेड हो या आप ये हो या वो भाई चीज़ें सही करोगे तो हमारे क्योंकि वही वाली बात है देखो आ, सर आप जो हैं बेटा जहाँ भी पढ़ रहे हैं आपने तो नहीं कभी कोई चर्स वर्स स्मगल की ना लेकिन दूसरों ने तो की है दूसरों ने खाने के टेन में भी की है मोल्टी फोम के गद्दे के अंदर भी की है चेनियोट के फर्नीचर के अंदर भी चर्से छुपा के बेची हैं तो भुकत्य फिर आप हो यही होता है और फिर वो पकड़े भी नहीं जाते जो लोग बाहर मुल्कों में पकड़े जाते हैं डिपोर्ट होकर पाकिस्तान जाते हैं वो पाकिस्तान में पैसा खिला के मतलब कहीं कॉन्सिक्वेंसिस जब है ही नहीं देखें इसलिए हमारे यहाँ बुरा हाल है क्योंकि कॉन्सिक्वेंस कोई नहीं अगर मैं यहाँ ओवर स्टे करूँ डिपोर्ट हो जाऊं मुझे एफ पकड़ेगी मुझे पता है कितना खिलाना है किसको खिलाना है किधर फोन करना है तो जो करते हैं उनको भी पता होगा उनकी पूरी सेटिंग होती है अब चूंकि हमारे यहाँ रिश्वत का बाजार इतना गर्म है किसी चीज का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है तो जो बुराई है ना वहां से आते हुए रुकी नहीं रही सऊदी में सबको पता है सर कलम कर देते फिर भी हर साल

नाइन्टी परसेंट जो चीज़ें थीं या गन था उसके रूट्स हमारे से थे वो हमारे मुल्क में से आ रहे थे अब ये डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं वो रिस्पेक्टेबल रे, चैनल है वो कोई किसी बेकरी वाले ने कैसे से बचने के लिए चैनल नहीं खोला कि मैं फिर जो ख़बरें दिखा दिखाऊं दिखाऊं कोई पूछने वाला नहीं जर्मनी का बहुत रिस्पेक्टेबल चैनल है ठीक है उनकी एक डॉक्यूमेंट्री है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रियाँ ऐसी नहीं बन जाती वरना केस हो जाते हैं ठीक है ना तो बड़ी इन्वेस्टिगेशन के साथ बनती हैं तो उसमें जो चीज़ें बताई मुझे देख के इतनी शर्म आई यार हमने हर गंद में हाथ डाला हुआ है हर गंद में हमारी लोग निकलते हैं हमारी लोग निकलते हैं तो बेटा कुछ वजह है जो आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है अब रही बात इंडिया की देखो इंडिया की डिप्लोमेसी भी स्ट्रॉग है दूसरा बॉलीवुड इतना स्ट्रांग कल्चर है अभी मैं देख रहा था वीडियो कॉस्को जो अमरीका का एक बहुत बड़ा स्टोर की चेन है वहाँ पे जी टू अट्रैक्ट मोर इंडियन कस्टमर्स अब जाहिर है इंडिया फैल रहा है पूरी दुनिया में और इंडिया में इकोनॉमी बढ़ रही है और एक मिडिल क्लास वहाँ ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो कॉस्को में वो क्या होता है फ्लैश मॉप ना भंगड़ा फ्लैश मॉप भंगड़ा कर रहे हैं वो पश्तो गानों पर क्यों नहीं कर रहे थे क्योंकि भाई हम उनकी ज़रूरत ही नहीं है देखो दुनिया कैपिटलिज्म पे चलती है जो पैसा लाएगा देखो ये नहीं होता कि ये मुसलमान है तो इसको दूर करेंगे और ये आ, जो है ना ईसाई है मसीही है या हिंदू है तो उसको आगे करेंगे दुनिया कैपिटलिज्म पे चलती है जो पैसा लाएगा सर आँखों पर जो नहीं लाएगा फ़ारग करो हमारे किसी काम का नहीं ठीक है तो इंडियंस का पास पैसा बढ़ रहा है मैं भी ऑक्सफर्ड गया हुआ था ऑक्सफर्ड में मेरे एक दोस्त हैं उन्होंने मुझे टूर कराया जब हम हॉप ऑन हॉप ऑफ डबल डेकर बस में बैठे तो हमें जो है एक हेडफोन दिया गया और हर सीट के पीछे एक जिस तरह जहाज में लगा होता है वहाँ पे ऑडियो का सॉकेट था और बारह किस्म की लैंग्वेजेस थी कि उसमें से आप सेलेक्ट कर लें जो भी सुनना है उसमें इंग्लिश थी फ्रेंच थी डच थी जर्मन थी अरबिक थी और फिर नीचे जाके हिंदी भी थी तो जो मेरा होस्ट था वो पिछले बाईस साल से यहाँ रह रहा है यूके में पहले स्कॉटलैंड में था अब वो ऑक्सफोर्ड में रहता है कह रहा है ये मेरी मेरे, मेरे यहाँ होते होते ये वाला फीचर आया कि हिंदी का भी ऑप्शन आ रहा है कह रहा है क्यों आ रहा है क्योंकि इंडियंस यहाँ पे पैसा ला रहे हैं इंडियंस की इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है उनकी स्किल भी ला रहे हैं उनके ट्रैवलर्स बढ़ रहे हैं और उनके जब ट्रैवलर्स बढ़ रहे हैं डिमांड बढ़ बढ़ी तो उन्होंने डाल दी अब अरबी क्यों डाली वो क्या कुरान सुना रहे हैं उस पर भाई अरबी आता है दबा के टूरिस्ट तो उनको कैटर करना है तो भाई दुनिया में जो पैसा लाएगा उसकी इज्जत होगी जो कोई वैल्यू ऐड करेगा अब हम क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं हम क्या स्किल दे रहे हैं दुनिया को ठीक है मैं ये नहीं डिनाई करा कि हमारे पास टैलेंट नहीं है ऑफ कोर्स बहुत टैलेंट है और पूरी दुनिया में फैला हुआ है मगर वो टैलेंट जो है ना इट गेट्स सुपरसीडेड बाय द रोंग डूइंग्स ऑफ अदर पीपल जिसमें ड्रग्स कह लो टेररिज्म कह लो या कौन छोटे मोटे कौन जी देख लो यार आप आप गल्फ न्यूज़ उठा के देखो ना खलीज टाइम्स पढ़ो आपको रोज़ाना अगर आप पढ़ो तो आपको हर तीसरे चौथे दिन हमारे ही कोई किया हुआ क्राइम मिलेगा मैं ही नहीं कह रहा दूसरी कौमों के लोग नहीं करते हर जगह ही अच्छे बुरे लोग होते हैं लेकिन हम पाकिस्तानी हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे ना हमें वो ज़्यादा हाईलाइट होता हुआ फील होता है तो हर इल, इल डूइंग में हमारा हिस्सा होगा तो भाई दुनिया हमें क्यों से देगी प्लस हम कोई वैल्यू ही नहीं ऐड करते हम हमारी ज़रूरत है ही नहीं किसी को क्या देते हैं हम दुनिया को क्या बल्ले सियालकोट के बैट बॉल के अलावा और वजीर वज़ीराबाद के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा कोई ऐसी वैल्यूएबल चीज़ हो ना अब जैसे ताइवान है चाइना तक मानने को तैयार नहीं चाइना ने बड़ी कोशिश इसको क्रश करें ताइवान को ये बात पता थी ताइवान ने अपने आप को कुछ नहीं तो माइक्रोचिप में ही इतना लंबर वन कर लिया कि वो ज़रूरत है दुनिया की ताइवान बंद नहीं हो सकता दुनिया सब बंद हो जाए ताइवान बंद नहीं हो सकता क्योंकि माइक्रोचिप अब आपके सिर्फ कंप्यूटर में नहीं होती आपके मोबाइल में होती है आपके टीवी में होती है आपकी ऑटोमेटेड गाड़ियों में होती है हर चीज़ में ज़रूरत बनना पड़ता है जब आप ज़रूरत बनते हो ना तो दुनिया आपको इज्जत देती है आप क्या ज़रूरत हो दुनिया की किसी फड्डे में लड़के लड़ने के लिए चाहिए इसके अलावा हमारी क्या ज़रूरत पड़ी किसी को वसतुल्ला खान साहब का एक बड़ा अच्छा कॉलम है ऑडियो कॉलम बख्शू के नाम से वो यूट्यूब पर ज़रा आप सुने ना हमारी क्या सर्विस रही हैं दुनिया को जी यहाँ जाएंगे यहाँ पर बॉइस भेज दें यहाँ यहाँ पर फसाद हो रहे हैं यहाँ पर भेज दें यहाँ पे इसके अलावा हमने क्या एक्सपोर्ट किया आज तक तो भाई रियलिस्ट रियलिस्टिक हों और ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है ऐसा नहीं है कि मुल्क से बाहर जाकर जो है वो अपने आप को हाईलाइट नहीं कर लेते यू you नो know, दूसरे मुल्क पहचान लेते हैं अपना मुल्क नहीं पहचानता हाँ, अपने टैलेंट अब दे, देखे ना वो आरफ़ा जिनके नाम पे आरफा टावर है लाहौर में वो बच्ची थी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोफेशनल थी जब तक शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया ना कि जी हम इसका वजीफ़ा रखेंगे बिल गेट्स उसको ले भी जा चुका था ठीक है ना तो ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है और टैलेंट रेकगनाइज नहीं होता बिल्कुल होता है मगर वो बहुत टाइनी माइन्यूट पोर्शन होता है खैर रही बात यह कि अब वही खैर, इसमें यह है कि बेटा किया किसी और ने होता है भुगतते हमें और आ, मेरे साथ कभी कोई इतना सीरियस वाक्य हुआ नहीं लेकिन बहुत से लोग हम पढ़ते ही रहते हैं ट्रैवल ग्रुप्स में जैसे खासतौर पर श्रीलंका यार जिसको हम कहते हैं यार उसको उनकी वॉर खत्म कराने में हमारी मदद है और हमने उनकी बड़ी हेल्प की थी तमिल टाइगर्स के अगेंस्ट उसके बावजूद आप श्रीलंका के अकाउंट्स तो पढ़े लोगों को कितना जलील करते हैं हमारे थाईलैंड में देख लो अरे यार, यार एक काम करो ना कराची में जो रहते हैं आप जाए थाईलैंड एम्बेसी के बाहर सुबह सात बजे देखें फुटपाथ पर बैठाया था लोगों को वहाँ छतरी भी नहीं है और जो गर्मी पड़ती है हमारे यहाँ छोड़ें यार हमारे मुल्क में हम इस तरह ट्रीट हो रहे होते हैं अपने मुल्क में ऐसे ट्रीट हो रहे होते हैं यार सोचो कौन होता है इस तरह रही बात मेरे साथ कोई ऐसा वाक्य हो कोई एज सच डू यू रिमेंबर मुझे तो नहीं याद पड़ता बस एक बार अमेरिका में बहुत लंबी लाइन में मैं पड़ गया था और आ, मैं पहली बार जब गया था तो फिर मुझे एक कमरे में ले गए और फिर वहाँ पे जो है रशियन्स और मेक्सिकन्स और पता नहीं कौन कौन वहाँ बैठा हुआ था फिर वो मेरा पासपोर्ट एक स्पेशल रूम में गया फिर वहाँ से पुलिस वाला वापस बाहर आया और उसने मेरा नाम बॉर्डर बॉर्डर पेट्रोल वाला नॉट पुलिस वापस आया मेरा नाम पुकारा और ऊपर से नीचे मुझे देखा और बोला जाओ उन्होंने शायद एक्स्ट्रा चेक्स किए क्योंकि तो मैं पहली बार आ रहा था अमेरिका वीजे तो मेरे पास अच्छे खासे लगे हुए थे इधर उधर के मगर फिर भी तो बस ये एक हुआ था वहाँ मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था उसके अलावा और मेरे अंग्रेज़ बॉस ने और मेरी ये कोशिश होती थी कि आई 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 शुड फॉरवर्ड क्योंकि जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ पे जो था वो मैंने ये देखा था कि इंडियन कल्चर इतना ज़्यादा था एंड आई अंडरस्टूड कि हमारे यहाँ भी बहुत टैलेंट है सो आई यूस टू जब मैं मुझसे सीरीज़ मांगी जाती थी या कुछ होता था तो आई यूस टू मेक श्योर कि मैं इक्वल अमाउंट ऑफ सीरीज़ जो है ना वो आ, अपने बॉस को जो है वो दिया करूँ या जो भी हायरिंग मैनेजर है मैं उसको दिया करूँ

Um, uh, you know the the kids who are from the other nationality they get their visas much sooner than the Pakistanis. Mm -hmm. They are um, subject to lesser scrutiny. So I can't hire Pakistanis because they slow down my projects. Oh wow, yeah, that, that makes sense. Indians can go to Singapore and Hong Kong. He, hum, he, wasn't, being milta nahi hai. he wasn't being racist, but, but he, he was saying it slows down help. his. Haan, I can't help haan. it. Uske timelines, targets honge, wo meet nahi kar शिनजिन में बारियाँ तीन हफ़्ते चार हफ़्ते बाद आती हैं और फिर छः हफ़्ते का अलग प्रोसेस होता है तो मतलब डेढ़ दो महीने कौन रुकेगा अपना प्रोजेक्ट जस्ट बिकॉज एक साहब जो हैं इटली नहीं जा पा रहे यू नो यार भाई मैं यही तो बोलता हूँ हमारे जो मसले हैं दुनिया में वो मसले एग्जिस्ट ही नहीं करते कभी फिल्मों में देखा है ना वो हीरोइन कहती है हीरो को कि आई डोंट थिंक वी शुड कंटिन्यू दिस इट्स नॉट वर्किंग आउट आई एम लीविंग और जहाज़ में चली जाती है और बंदा फिर वो देखता है और फिर फ़ॉरन काउंटर पर आता है मी अ टिकट टू पैरिस उनके पासपोर्ट में इतनी ताकत होती है कि तुम मुंह उठा के तो पैरिस जा सकते हैं हम तो पहले जाएंगे फॉर्म निकलवाएंगे चार तस्वीरें डोसानी से खिंचवाएंगे सफ़ेद बैकग्राउंड में इस लेंथ की इस ब्रेथ की फिर बैंक स्टेटमेंट बैंक का अथॉरिटी लेटर एम्प्लॉयर का लेटर नादरा का एफआरसी अगर हीरो ये कराने लग जाए पाकिस्तानी हीरो हो और हीरोइन अमेरिकन हो उसका तो वि होके तलाक तो भी हो जाए या को तो वीजा ही नहीं मिल रहा होगा तो हम इसलिए वो फिल्मों में कहते हैं गिव मी अ टिकट टू पेरिस और वो पहुंच जाता है उसी फ्लाइट में उसकी वजह यह होती है कि भाई बहुत से पासपोर्ट लो अबे बहुत से लोगों ने तो वीजा ही नहीं अप्लाई किया होता जिंदगी में ठीक है नहीं नहीं व्हेन वी वेंट टू इराक आई अप्लाइड फॉर अ वीजा हां बस आई डोंट फॉर अ वीजा हां मुंह उठा के अबे बेरी बेगम की मुंह उठा के आ जाती है हर जगह और इनकी लाइनें ही अलग होती हैं हर जगह हम बहन क्या अदर भेड़िया की, की लाइन ये लंबी ना काले पीले खड़े होते हैं सारे उसमें ये लोग टड़ंग टड़ंग निकल रहे होते हैं तो ये अच्छा वो जो आपने बात की ना वहाँ मैं जो कॉस्को वाली बात कह रहा था कि वो इंडियन भंगड़ा और जो मैंने ऑक्सफोर्ड वाली बात बताई कि अब वो टूर बसेज में हिंदी का भी ऑप्शन आ गया है तो कैपिटलिज्म की दुनिया है तो एक और मिसाल देखो माने या ना माने बॉलीवुड ने ना इंडिया का इमेज पूरी दुनिया में बहुत ऊंचा किया है ठीक है ना आप लाग दुश्मनी कर लो जो कर लो जो फैक्ट है वो आपको मानना पड़ेगा ठीक है बॉलीवुड इज वेरी वेरी स्ट्रांग और आज से नहीं पिछले पचास साल से ठीक है मतलब हॉलीवुड वाले भी मरते हैं बॉलीवुड में आने के yeah, लिए ठीक yeah, है ना ठीक है पियर्स मलिक क्या मुगल स्टील का ऐड नहीं करेगा लेकिन उसने गुटके का ऐड कर लिया था वो ठीक वो अलग बात है उसको पता नहीं था जैक्सन पहुंचा हुआ था उसके माइकल जैक्सन मैं देख रहा था हाँ हमें एक अवार्ड सर ये तो पता है माइकल जैक्सन इंडिया आया था वो तो उस वक्त जी टीवी में बहुत देखता था वो छे महीने से ही शुरू हो गए थे माइकल आ रहा है माइकल आ रहा है तो वो जावेद जाफरी का मैं बूगी वूगी सर्च कर रहा था पुरानी वीडियोस देख रहा था तो जावेद जाफरी का एक क्लिप मेरी नजरों से गुजरा जहाँ पे ही वाज होस्टिंग एन अवार्ड सेरेमनी और वहाँ पे माइकल जैक्सन वाज अ फकिंग गेस्ट यार हम मैं अब बेगम और मैं यू का कांसर्ट देखने सिंगापुर गए वहां कॉन्सर्ट देखा और अगला कॉन्सर्ट उनका सिंगापुर से था मुंबई में यानी हम तो सोच ही नहीं सकते कोल्ड प्ले हो कोल्ड प्ले होके जा चुके थे और पीछे से फिर ये यू भी आया था मेटालिका आ चुका है दिल्ली में आर एन मेडन आ चुका है माइकल जैक्सन आ चुका है यू नेम इट यार बड़ी इंडस्ट्री यू गेट अ शाहरुख खान डॉल हाँ. Get... तो कभी, कभी कभी। कभी तो तो बॉलीवुड कल्चर बहुत strong है और आ, मैं आपको इसकी एक जिंदा मिसाल देता हूँ अभी चौदह अगस्त गुजरी है चौदह अगस्त में हम एक दावत में गए जहाँ पे सारे पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान के झंडे का केक कटा और दिल दिल पाकिस्तान भी गाया और कौमी तराना भी पड़ा उसके बाद अगले चार घंटे गानों की महफिल चली और सारे इंडियन गाने गए कैरियोके पे भी गाए गए और फरमाइशों पे भी ये सुना है उसने सिर्फ इंडियन गाने और हम सारे पाकिस्तानी थे सब बाय ब्लड पाकिस्तानी पाकिस्तानी बॉन्ड ठीक है ना मोस्ट ऑफ देम पाकिस्तानी, very very पाकिस्तानी very very मगर क्या कौन से गाने थे हमारे पास कोको कोरिना के अलावा किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था और कौन सा गाया जाए महफिल में जे जे शिव शंकर गा लिया वहां एक आंटी ने ठीक है तो भाई कल्चर स्ट्रॉन्ग है तो उसकी इतनी ताकत है ना कि यार पाकिस्तान डे पे भी लोग उनके गाने गा रहे हैं तो जब हम तक इतना है तो पूरी दुनिया तक अब देखे ना हम आए दिन वो कितने क्लिप्स आते हैं वो अफ्रीकन लोग तुम पास आई यू मुस्कुलाए गा रहे होते हैं वो भाई अफ्रीका में क्रेज है बी यू जब नया नया आया था बी यू में नीचे अरेबिक सब आते थे वो इसलिए आते थे क्योंकि दिखाई जाती थी वहां पे आप लोगों के यहाँ भी उधर उधर अरब्स बैठ के और सिनेमा में हाँ, इंडियन फिल्म देख इंडियन फिल्म देख रहे होते थे भाई so in, in, और ये अभी in, 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 से नहीं है ये एटीज 90s से हाँ यार बॉलीवुड का क्रेज है तो इसका देखो भाई खाली एम्बेसी लेवल की डिप्लोमेसी नहीं होती स्टेट लेवल डिप्लोमेसी नहीं होती कल्चरल डिप्लोमेसी भी कोई चीज़ होती है और इस पर ना उज़ैर यूनुस और मैं हम बात ही कर रहे थे जब मैं वाशिंगटन में था तो भाई हम यही बात कर रहे थे कि हम ना कोई ऐसा फेस्टिवल बना लेते हैं देखें दुनिया भर में होता ही है कि म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते हैं ना कल्चरल फेस्टिवल्स वो आवाम के लिए फ्री होते हैं और वो पा, पब्लिक पार्क्स में होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ ठीक है अब आबदा परवीन साहिबा को अगर बुलाया है किसी ने तो वहाँ पे जी वो पाकिस्तानी ही बैठ के सुन रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन जा रहे हैं गोरा तो आ ही नहीं रहा आपने टिकट रख दिया वो पूरा उर्दू प्रोग्राम है वो बाहर से चला गया आप आबदा परवीन को उतने ही पैसे दें राहत फतेह अली खान को उतने ही पैसे दें बोले पार्क में गाना है और पार्क खोल लो सब के लिए वहाँ आजकल वैसे ही जॉइंट वॉइट ओपन हुए हैं लोग डोडे लगा के जब पहुँचेंगे ना ऐसा झूमेंगे आपका लेवल ही ऊपर हो जाएगा यार पाकिस्तान के बारे में हमेशा यही सुना है तालिबान सपोर्टर ये वो टेरिजम लेकिन यार ये तो कमाल म्यूज़िक आया है नुसरत ख़ान साहब कैसे मशहूर थे भाई नुसरत फतह अली खान साहब ऐसे ही तो थे पार्टी इन द पार्क वो किसके साथ उनका एक था आम, यार याद नहीं आ रहा मुझे देखो बाली सागु ने उनको इतना वो किया और आ, आ, यार वो कौन सा था इंग्लिश म्यूजिशन मुझे वो आ जो डेड मैन वॉकिंग में आहा, उनका आहा, वो भी था डेड मैन वॉकिंग में साउंड ट्रैक भी था क्या नाम था उसका यार मेमोरी बहुत हो यार सो so, भाई ये यही चीज़ें हैं जो आपको ऊपर उठा सकती हैं अब हमने म्यूजिक तो इतना मार दिया कि मुल्क में एक म्यूजिक चैनल नहीं है एक म्यूज़िक चैनल नहीं है सियासत के हर चैनल है मैट्रिक पास इंटर पास बैठ के गधों की तरह लड़ते हैं प्राइम टाइम पे, आठ बजे से रात ग्यारह बजे तक हम बैठ के देखते हैं गधों की तरह ठीक है एंटरटेनमेंट कोई नहीं है हमारे यहाँ सास बहू अपनी जगह वो कोई नहीं देखना चाहता ठीक है म्यूजिक हमारे यहाँ है ही नहीं पिछले पांच साल में कितने एल्बम आए मुझे जरा लिख के तो बताएं नीचे कमेंट में कितने लोगों को पता है एल्बम खरीद नहीं छोड़ दिया हमने म्यूजिक ही खत्म कर दिया हमने तो कल्चरल डिप्लोमेसी कैसे होगी भाई तो इंडिया तो करता है कल्चरल डिप्लोमेसी और आज से नहीं पचास साल से करे जिसका रिजल्ट ये है कि हांगकांग मुंह उठा के चले जाते हैं इंडियन सिंगापुर मुंह उठा के चले जाते हैं बगैर वीजा के चले जाते हैं कोयत ने अभी हमारा दस साल बाद खोला है अपना इस्लामी मुल्क ने दस साल से आपको बैन किया होता चाहिए ही नहीं भाई पाकिस्तानी चाहिए ही नहीं हमें ये औकात है हमारी तो यार ये चीज़ें जब तक एड्रेस नहीं करोगे ना वो नई बुराई कर रहे हैं नेगेटिविटी फैला रहे हैं तो पॉजिटिविटी करके क्या उखाड़ लिया तुमने अफगानिस्तान के बराबर में बैठे हो लिटरली भी और फिगरेटिवली तो क्या उखाड़ लिया आपने बुराई नहीं करो बुराई नहीं करो भाई एड्रेस नहीं करोगे इशूज़ को तो एड्रेस को सोल्व इशूज़ को सोल्व कैसे करोगे तो ये है भाई सॉरी बड़ा लंबा जवाब हो गया लेकिन बस ये टॉपिक ही ऐसा यार इट मेक्स मी अ uh, मुझे गुस्सा आता है इस चीज पे क्योंकि यार ये चीजें देखिए नोबडी डिजर्व्स टू लिव लाइक दिस हमने पूरी जिंदगी ऐसी गुजार दी uh, किसी ने फ्रॉडुलेंट पेपर्स किसी ने भाई किसी, किसी ने किया, ने, किया है होंगे, और जो है ना वो शरीफ लोगों को जो है ना वो क्वेश्चन किया जाता है उनको जो है ना भाई दुनिया का पहला वायरस भी हमारे मुल्क में मना लाहौर में जो एक फ्लॉपी डिस्क के जरिए फैला गया था तो हम हमारी जब मशहूर चीज़ें मशहूर इस तरह होंगी तो ब, मतलब फिर क्या करेंगे तो वी नीड अ लॉर्ड ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी और यही चीज अब ये काम हमारी एम्बेसियों का है मगर वो 23 मार्च को अपने ही लोकल्स को बुला के और कौमी तराना पढ़ के घर भेज देते हैं जी हमने एम्बेसी का, का काम कर लिया लाए जी बजट दे दे हमें ये काम उनका है कि थोड़ा पब्लिक डिप्लोमेसी की तरफ लेकर आएं अवाम को मिलाएं उनको बताएं क्या बस आप किसी भी एम्बेसी में जो आपको हैंडीक्राफ्ट नजर आ जाएगा मटके नजर आ जाएंगे वो शोल्डर तक चूड़िया पहनी हुई राजस्थानी औरतों की तस्वीर वही ये कल्चर है हमारा अबे उनको समझाओ तो सही और है क्या म्यूजिक क्या है अबे गिटार ये मुझे औरतें क्या क्या अचीव कर रही हैं हैं पाकिस्तान के अंदर हाँ, बैठी भाई वो तो बोलते ये तो बोलते ये तालिबान है पूरा वो समझते है, पूरा मुल्क अफगानिस्तान पाकिस्तान पूरा अफगानिस्तान है उनका yes, इसकी sure. एक जिंदा मिसाल इसकी एक जिंदा मिसाल ड्रू बेरी मोर का पता है आपको ड्रू बेरी मोर का ना एक शोहर था टॉम ग्रीन के नाम से वेरी फनी गाय ठीक है उसकी एक फिल्म थी फ्रेडी गॉड फिंगर्ड ओके ठीक है ना yeah. वो आप फिल्म देखें ए वॉज एवॉर्डेड एज द वर्स्ट मूवी ऑफ विच एवर एयर इट केम आउट बट मुझे बड़ी फनी लगती थी फ्रेडी गॉड फिंगर्ड में एक सीन है कि उस वो और उसके वो अपने उसका बाप उससे बहुत तंग होता है क्योंकि ही इज़ अ लूजर तो उन दोनों को ना वो आ, लग जाता है कोई इंजेक्शन बेहोशी वाला और जब उनकी आँख खुलती है तो वो पाकिस्तान में होते हैं और वो पाकिस्तान पता है कैसा दिखा है hmm. चारों तरफ रेगिस्तान है ऊँट चल रहे हैं भेड़ बकरियों की आवाज़ें आ रही हैं मतलब टिप टिपिकल जिस तरह अफगानिस्तान में तो 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 पाकिस्तान कैसा है क्या इंडिया को भी नहीं पता कैसा है ये बॉलीवुड के अंदर जो ये दिखाते हैं मुसलमान तो पान खाना जो है मियाँ करके बात वो पान खा रहे हैं उसके अंदर जो है ना वो हाँ अब कश्मीर कहा से पान खाने लग गए भाई सुरमा लगा के मतलब आपको कुछ नहीं पता हमारे कल्चर के भाई, तो वो तो बहुत दूर है अंग्रेज तो बहुत आ, ये तो है क्या बॉलीवुड को नहीं पता कि किस तरह से होता है आप देखें भाई वो अपना तो अच्छा इमेज बनाते हैं मगर हमारा भी बहुत खराब इमेज बनाते हैं ठीक है ना एंड दैट बिकॉज इट इट ट्स अ लॉट ऑफ मतलब ये जो इमेज होता है आई बॉल्स मिलती हैं उसको तो लोग जो हैं वो उसको यकीन करते हैं लोगों को यकीन नहीं आता कि मैं पाकिस्तानी बैकग्राउंड की हूँ जो है ना बिकॉज ऑफ द वे बिकॉज आई डोंट कवर माई सेल्फ इन अ बुरका या वट एवर इट इज़ वो उनको यकीन नहीं आता तो आप एम्बेसी का ये काम है कि हाईलाइट करें उन उन पर्सनालिटीज़ uh, को विद इन पाकिस्तान स्टूडेंट्स हुए या औरतें हुई कि भाई हमारे ये अचीवर्स हैं अपने अचीवर्स को जो ना अपनी अचीवमेंट्स को जो है वो uh, मटके या आर्टिफैक्ट से बाहर निकालें एंड अबे आप तो मटकों मटकों में फंस गए भाई जब देखो भाई कल्चर क्या मटके अबे क्या और कुछ नहीं करते अब मटके ही बनाते रहते हो क्या अबे आम इतना अच्छे अच्छ, बेहतरीन आम है मैनी फैशन ठीक है ना आम तो अब भाई मैंगो डिप्लोमेसी हाँ। करो दुनिया भर में लोगों को फ्री मैंगो खिलाओ करण अगर सुन रहा है करण वो बना भाई आ, मैंगो मोहिटो ओहो हो इनको जिन विन अब इनको इन पे जिन चढ़ा दो कसम से पागल हो जाएगा अबे भाई वो याद है मैं लास्ट ईयर जब गया था यहाँ स्ट्राटफर्ड वो जो बच्चों से मिलने वो जो पाकिस्तानी मुझे मिले थे एल के स्टूडेंट्स उनके मैं फ्लैट गया उनका एक नाइजीरियन फ्लैटमेट था वो आम खा के ना झूम रहा था लाइक like, गोल गोल जैसे जैसे मलंगनी डांस करते मजारों पे गोल गोल घूम रहा था उनका टेरिस बहुत बड़ा था तो मैंने दो से पूछा उसको क्या हो रहा है कह रहा है ये कल से यही कर रहा है कह रहा है वो मुझे कह रहा था कि आई आई हैव नेवर हैड समथिंग सो टेस्टी इन माय लाइफ विल फीड यू अ वेस्ट इंडीज का आम और तुम कहोगे ये आम है मैंने फिलिपिन के खाए इट इज सो हॉरेबल और इतने शौक से खाया जाता है यहां पर कि मुझे मैंने थाईलैंड में भी खाया है फारिग़

कीनू हमारा कीनू ट्राई कर रहे थे मतलब किन्नू जो हमारे यहाँ रेहड़ियों पे अटका हुआ था और यहाँ पे एक्जॉटिक था अबे भाई फ्रूट से इतना कुछ कर सकते करना चाहो तो भाई बहुत कर सकते हैं मुझ जैसा जाहिल आदमी दस हज़ार आइडियाज़ दे सकता है मगर बस वही वाली बात है ना जिन्होंने एग्जीक्यूट करना है उनको इंटरेस्ट ही नहीं है कोई काम करने से उनको वो हराम मुँह को लगा हुआ है वो हराम खा रहे हैं तो बस उनकी बेटा जो आप और मैं झेलते हैं एयरपोर्ट्स पर दुनिया भर के और फिर क्यों ना बंदा पासपोर्ट चेंज करे चेंज करे तो फिर गाली भी खाए हैं रखने का कोई फ़ायदा नहीं तो जब बंदा अपनी सहूलत के लिए चेंज कर ले तो फिर गालियाँ भी खाए गद्दार भी हो जाए अबे पासपोर्ट चेंज करने से कौन कैसे गद्दार हो जाता है बहन की आँख हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ज़्यादातर डूल नेशनल या दूसरी नेशनलिटी के हैं वो ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं अब वो कुछ डॉलर तो भेजते हैं तो वहाँ हिलाते नहीं हो अपनी वहाँ बैठे हुए हो जो कमा के भेज रहा है वो उसी से तो पल रहा है तुम्हारा मुल्क और कहाँ से आ रहा है एक्सपोर्ट तो कोई है नहीं हल्ली वल्ली यार अबे यार छोड़ो यार ये टॉपिक ही ऐसा है तो भाई मेरे अब ये पासपोर्ट है अब इसी के साथ जीना मरना है अब नीचे से नंबर टू है अब तो अफग़ानिस्तान में तालिबान आ गए अब पता नहीं हम नंबर टू पे रहते हैं या कहीं वही हम वो आगे ना निकल जाएँ हम हम नीचे से नंबर वन पे आ जाएँ सोमालिया के साथ सवा खली वल्ली यार वही ना अपनी स्टैंडिंग देखो यार दुनिया में फिर बात करो नहीं जी हम नंबर वन है अबे नीचे से तो नंबर टू हो भाई पासपोर्ट में बात ही ख़त्म जापान का देखो यार नंबर वन पासपोर्ट वो होता है कनाडा का देखो 170 कंट्रीज में फ्री एंट्री 170 कंट्रीज में मुंह ठाके चले जाते थे खाला के घर आयो अब खाला के घर भी ऐसे नहीं जाते अब लोग फोन करके जाते हैं जब जापानी मुंह उठा के जाए दुनिया में कोई नहीं रोकने वाला अबे ये होता है फ्रीडम ये होती है लाइफ यार दिल करा आज टिकट लिया निकल गए बैंड की आंख भाई कौन करे प्लानिंग उधर एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ले हो, फिर सुबह जाके खुआारो डॉक्यूमेंट का थद्दा लेके बैंड की आँख वाँग खड़े हो तस्वीरें खिंचा रहे हैं और इतनी मोटी मोटी फाइलें लेके वो प्लास्टिक वाली फाइल नहीं होती बटन वाली सारे अंकल वो सी एस एस वाले और इन अरे वो सफारी सूट वाले अंकल आए हुए होते हैं अब भाई हाँ दस हज़ार लोगों मुँह दो उसके बाद जाके भी बैठ जाओ फिर बारी आएगी फिर छः हफ्ते बाद रिप्लाई आएगा अभी यार कोई ये कोई लाइफ है यार इस तरह भाई लाइफ इज आज मेरा मूड हो चलो मैं जा रहा हूँ हली वाली खुदाफिज मतलब हम फंस ही गए यार अल्लाह मिया ने अगर फेंकना था आगे पीछे फेंक देते खैर आगे पीछे भी कहाँ फेंकते हाँ अफगानिस्तान में फेंकते तो आज हम जहाज से गिर रहे होते नीचे अल्लाह माफ़ करें यार मजाक नहीं उड़ाना चाहिए दट्स अ वेरी सैड सिचुएशन दैट देयर गोइंग थ्रू बट क्या करें भैया वो नहीं सुधरना चाहते वो लोग ही मतलब क्या है मतलब लोगों के अपने यहाँ हैं क्या कर सकते हैं भाई खैर आई थिंक वी शुड रैप इट अप ओवर हेयर रात का सवा एक बज गया है और वी हैव अ लॉट टू डू टुमारो तो इसको यहीं ख़त्म करते हैं थैंक यू सो मच फॉर योर ई दिस वुड बी माय लास्ट वीडियो विद माय वाइफ फॉर दिस ट्रिप तो अब ये सोच के और नहीं भेजेगा कि अब वो फिर वाइफ के साथ एपिसोड होगी क्योंकि मोस्ट लाइकली आप ये एक महीने बाद सुन रहे होगे ऑफ माय डिपार्चर फ्रॉम लंडन तो uh, फिर दोबारा इन शाह तो फिर मैं पहले से एडवांस में अनाउंस कर दूँगा दैट आई एम कॉन अबी विद माई वाइफ तो फिर आप इनसे रिलेटेड सवाल भेज सकते हैं अभी तक के लिए इतना ही थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड शून सपोर्ट यू कैन डू दैट ऑन पेट्रो डॉट कॉम से अचगन स्वैग अपना ख्याल रखिएगा इन शाला से दोबारा मुलाकात होगी खुदा हाफिज थैंक यू वेरी मच अभी थैंक यू वेरी मच लिस्निंग